लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लगता है हमसे पहले कोई पहुंच गया और सब तबाह कर दिया। कोई मिला? सिर्फ ईंट और पत्थर। अगर वो अंदर होते तो इस ब्लास्ट से बच नहीं सकते। Call it in. Let's move. Eddie, कहाँ जा रही हो? Eddie, it's not safe inside. Eddie, stand down. Eddie, that's an order. Eddie. अगली बार जरा ध्यान से देखना, शायद जान बच जाए। Whenever you're ready for the brief. नहीं, मैं सेफ हाउस को जानता था। अचानक आउट ऑफ नोवेयर हम पर हमला हुआ। हमला सोफिस्टिकेटेड था, स्पेशल फोर्सेस अनआइडेंटिफाइड। हम तीन साथ नहीं निकल सकते थे, सो आई टुक अ कॉल। भीम और मीमी को वहां से निकाला और मैंने उन्हें कवर दिया। पर तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? हमारे कॉम्स डाउन थे। तुम्हारा कॉम कुछ सेकंड्स के लिए ऑनलाइन आया था, तब जाके तुम्हारे लोकेशन का पिंग मिला। तुमने इस पिंग के बारे में किसी और को इन्फॉर्मेशन दी? सिर्फ बेस को। क्यों? मुझे राजपूत से बात करनी है अभी। आर्या, तुम ठीक हो? मैम, मैं ठीक हूँ। भीम और मिमी कहाँ हैं? मैम, आपसे एक कॉन्फिडेंशियल बात करनी है। वी हैव अ मॉल। क्या कहा उसने? हमारे सिस्टम्स करप्ट हो चुके हैं, जड़ ढूंढना होगा जल्दी। जड़ तो मिल गई। हाँ भटनागर, जल्दी बताओ। सर, इतना क्या अर्जेंट था? सर, जब से ऑफिसर नंदिनी राजपूत इस मिशन की कमांडिंग ऑफिसर बनी है, हर चीज गलत हो रही है सर। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। जैसे कि कल जब हमें भीम और मिमी का पिंग मिला, उसके तुरंत बाद ही वही इंफॉर्मेशन रसनियन स्पेशल फोर्सेस तक पहुंच गई। कैसे? For your eyes only, sir. But भटनागर, इन फोटोग्राफ्स की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। पर हो सकता है सर, बेनिफिट ऑफ डाउट एंड ऑल दैट। लेकिन सर, इस पहेली को सुलझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि तब तक, सिर्फ तब तक, आप राजपूत को इस मिशन की कमांड से हटाएं और उन्हें प्रोबेशन पर डालें।
सर, इस मामले में हम जरा भी रिस्क नहीं ले सकते। नजदीक रहो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? Stop it. Stop it. I said stop it. I said stop it. समझ के समझो। Let's move. मुझे भूख लग रही है और मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मुझे उठाओ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। गुड जॉब। थैंक यू। कनेक्ट टू बेस। श्योर। कम इन। बेस मैम, मैम कम इन मैम। अब राजपूत नहीं, तुम सब मुझसे बात करोगे। राजपूत मैम का यहां से ट्रांसफर हो चुका है। राजपूत मैम का ट्रांसफर हो गया? What the hell's going on? Exactly what you're hearing, soldier. अब से तुम मुझे रिपोर्ट करोगे। राजपूत कहाँ है? अब वो हमारे साथ नहीं है। पैकेज तुम्हारे पास है? हाँ। Good. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में हम यहाँ से दो हेलीकॉप्टर भेजेंगे तुम्हारे पास। मिमी को लेकर अमित एक हेलीकॉप्टर में निकलेगा और उसके ठीक 5 मिनट बाद दूसरे हेलीकॉप्टर में तुम अपने आदमियों के साथ निकलोगे। Is that clear? अलग अलग क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, ज्यादा सवाल मत करो and just follow the damn order, will you? Over and bloody out. कमांड में कौन है? भटनागर। वो चाहते हैं कि तुम और मिमी पहले निकलो चॉपर में और हम फॉलो करेंगे। लेकिन साथ साथ में क्यों नहीं? हे, डोंट वरी, अमित अंकल बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पर तुमने कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ और तुम सेफ हो। प्रॉमिस। Let's move. Thank you.
जाना मुझे। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे साथ जो एंजल है वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। तुम मेरे एंजल हो, तुम मेरा ख्याल रखोगे, प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। को लेकर अमित एक हेलीकॉप्टर में निकलेगा। फॉलो द टैब ऑर्डर विल यू हाइड। बेस कमिंग, बेस कमिंग, कमिंग, वी आर अंडर अटैक। बेस कमिंग, कमिंग, बेस नाउ। क्या हुआ? नो रिस्पॉन्स। तू कहाँ जा रही है? भीम ने कहा था छुपने के लिए। तुम कब से किसी की कुत्ती बन गई? गुड बाय नीरो। क्या हुआ, बच्ची मिल गई? नहीं सर, बड़े अफसोस की खबर है सर, जिस चॉपर में बच्ची थी उसे रेबल्स ने उड़ा दिया। क्या? डैमेट, इससे बुरी खबर मैंने आज तक नहीं सुनी। तो इससे भी बुरी खबर सुनिए सर, पूरी की पूरी नीरो टीम कैप्चर हो गई है सर। बट डोंट वरी सर, इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है। और रास्ता बताओ। यही एक रास्ता है सर, रिस्क बहुत हाई है पर वक्त बहुत कम। अब फैसला आपके हाथ में है सर। Things and leave. Please get up. Exit the building in an orderly fashion. सर, क्या कर रहे हैं? Project Nero officially terminate हो चुका है। तुम सबका काम यहाँ खत्म। जल्द से जल्द premises खाली कीजिए। Leave now. हमारा drone अचारा जेल के ऊपर कब तक होगा? 20 मिनट में। मैं गिरीश। गिरीश क्या चल रहा है? भीम को एडजरामी ने कैप्चर कर लिया है। नीरो डोमिनेट हो चुका है। भटनागर ने ऑपरेशन क्लीन स्लेट ऑर्डर कर दिया है। 30 मिनट्स में ड्रोन प्रिजन के ऊपर होगा। व्हाट आर यू डूइंग? वैसे खान साहब, ये बम का ब्लास्ट रेडियस क्या होगा? 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। Water!
जितना मारेगा उससे ज्यादा खाना पड़ेगा। इधर मैं फोन पे बात कर रहा हूँ तो बीच में नहीं बोल, नहीं बोल। मुझे नहीं पता था तू इतना ब्रूटल है। मजाक का वक्त नहीं है, भटनागर ने ड्रोन स्ट्राइक ऑर्डर किया है। What? सवालों के लिए अभी वक्त नहीं है, हमें पहले भीम को बचाना होगा। लेकिन कैसे, पावर फोर्स खड़ी है। फौजी बनके ट्रैफिक में फंसा था, लेकिन अब सारे सिग्नल्स तोड़ने पड़ेंगे। भटनागर ने ड्रोन स्ट्राइक ऑर्डर किया। व्हाट? एक मिनट। हेलो, यस मिस रीटा। भाई तुम्हारे प्रमोशन की पार्टी अभी पेंडिंग है। एक बात याद रखना, अभय भटनागर ना कभी भूलता है और ना ही छोड़ता है। गेट इट? वन सेकंड। या हेलो। और ना ही मैं कभी भूलता हूं। इस कॉल को ट्रेस करो जल्दी, गो। गलत आदमी से पंगा ले लिया तूने भटनागर। तो तू बच गया हा? पर तू नहीं बचेगा। धमकी देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जहां हूं वहां एक मक्खी भी बिना क्लियरेंस के अंदर नहीं आ सकती, समझे? और वैसे भी यहां तेरा फाइल बंद हो चुका है, अब तू यहां सिर्फ एक भूत हो। सही कहा तूने, मैं भूत हूं और भूत को अंदर आने के लिए कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं। फोन बिल्डिंग से आ रहा है। खड़े खड़े मेरा मुखिया देख रहे हो, निकालो मुझे यहां से। सवाल पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम सवाल जानते हो, अब जवाब दो। मुझे नहीं पता मिमी कहां है। मिमी आर्गोवेनिया में है। आर्गोवेनिया? ये कहाँ है? आर्गोवेनिया ईस्टर्न यूरोप का सबसे छोटा देश है। वहां जनरल रजा की हुकूमत है। जो रजा को पैसे देता है, रजा देश उसका कर देता है। फिर उस आदमी के पास टोटल कंट्रोल है। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? 6 महीने पहले एक आदमी ने मुझे फोन किया था। अपनी इंटरनेट बैंकिंग खोलिए, सैलरी वाली नहीं, स्विस बैंक वाली। उन्हें कौन है आप? बैनर्जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। और इसलिए तूने अमित को मार दिया? अमित उनका आदमी है। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम्हारे लिए स्पेशल कमरा तैयार किया है। थैंक यू भटनागर। गुड बाय मिस्टर भटनागर।
हाँ भटनागर बोलिए। भटनागर की तो मैंने बोलती बंद कर दी और अब तेरे लिए आ रहा हूँ। अरे तुम मरे नहीं अब तक? तुझे मार के ही मरूंगा। एड्रेस भेज रहा हूँ, आ जा। मीमी पूछ रही थी तेरे बारे में। बेचारी को बहुत कॉन्फिडेंस है कि तू आएगा। उसका दिल मत तोड़ना, क्योंकि मैंने तो उसका बहुत कुछ तोड़ दिया है। अब क्या? मैंने एक बार वादा किया था जो मैं नहीं निभा सका, मैं वो वापस नहीं करूंगा। और वो हम तुम्हें करने भी नहीं देंगे। मैम, इस बार सबको मालूम होना चाहिए कि देश की बेटी पे उंगली भी डाली तो उसका अंजाम क्या होगा।